दैया नमस्ते नमस्कारम हेलो हाय कैसे हैं आप लोग। वैसे हम आपकी चटोरी भाभी है ना, फिर आज रहे हैं आप लोग इनके साथ में नया प्रोमो लेके। भैया किसका मिलके भी हम ना मिले, बात ऐसी हो गई है ना कि हमारी जो रेवा और राघव है ना उनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। काहे कि भैया जो राघव है ना वो रेवा को घर से ई बोल के बाहर निकालता है कि हम आपको बस स्टैंड पे छोड़ेंगे, पर है ना वो धोखा करने वाला है। काहे कि है ना उस मन में ठान लिया है दिमाग में कि हम रेवा से जी से शादी करके रहेंगे। अब ऐसे में वो प्लान बना के मतलब प्लान बना के जाता है रेवा को लेके, और वो है ना गलत रास्ते पे लेके जाता है, जिसके बाद में रेवा को शक होता है। और ऐसे में वो लोग पहुँच जाते हैं उस जगह पे जहाँ पर है ना शादी करने वाला था, पंडित को बिठाया था। अब ऐसे में रेवा मना कर देती है, और कोई ये चीज़ का पता था, जिसके बाद में ना उसकी दोस्त साक्षी को है ना किडनैप कर लिया था। अब ऐसे में ना वो धमकाता है कि अगर तुमने हमसे शादी नहीं की तो हम तुम्हारी दोस्त को है ना साक्षी को उड़ा देंगे। अब ऐसे में रेवा को मानना पड़ता है, और जिसके बाद में ना ये चीज़ भैया उनके परिवार वाले लोग को पता लग गई थी, एक ही कारण है ना वो सब लोग गुंडा भेज देते हैं। पर एम में भैया काला कारनामा, मतलब एम में ना होशियारी करने वाले हैं कुंदन बाबू। काहे कि भैया उनके भैया जो राघव के पिताजी हैं ना वो ये चीज़ सोच सिर्फ इतना कहे थे कि रेवा को गोली मारना है, पर ये कुंदन बाबू कहते हैं कि दोनों को ही मार दो ताकि हमारे रास्ते का कांटा है ना एकदम से ही साफ हो जाए। अब ऐसे में है ना देखना तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि गोली किसको लगेगी, रेवा को या फिर राघव को, या फिर दोनों की ही कहानी एंड हो जाएगी। बाकी ये तो आपको पूरे एपिसोड में पता लगेगा। हम फिर आएंगे आप लोगों के साथ में नया प्रोमो लेके, तब तक के लिए भैया हमको मतलब हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर आएंगे, बाय बाय, टाटा।